नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने अब से कुछ देर पहले अमेरिका उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय मूल के अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया हो। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वो भारत के पीएम का स्वागत कर बहुत खुश हैं। वहीं इस बातचीत में पीएम मोदी ने कमला हैरिस की भी तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि कमला हैरिस पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा जैसी हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वो भारत दौरे पर आती हैं तो पूरे देश को काफ़ी खुशी होगी। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वास जताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नेतृत्व में द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया और पारस्परिक और वैश्विक हित वाले मुद्दों पर चर्चा भी की गई। दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात है। इससे पहले हैरिस ने भारत में कोविड-19 संकट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की थी। हैरिस ने भारत को अमेरिका का बेहद अहम भागीदार करार दिया। साथ ही नई दिल्ली की उस घोषणा का स्वागत किया जिसमें भारत ने जल्द ही कोविड-19 टीके का निर्यात फिर से शुरू करने की बात कही है। वहीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 कंपनियों के सीओजी के मुलाकात के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ बैठक की। दोनों देशों के बीच कोरोना वायरस, डिफेंस समेत अन्य मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। इसके साथ ही आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के साथ साथ व्यक्तिगत संबंधों को बेहतर करने के लिए कई विषयों पर चर्चा की गई। बता दें कि पिछले साल दोनों नेताओं के बीच वर्चुअली जून में बैठक हुई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 3 दिवसीय अमेरिका दौरा है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से उनकी मुलाकात हुई है। कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया और अपनी खुशी भी जाहिर की है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कमला हैरिस एक प्रेरणा है और एक प्रेरणा की तरह लोगों को उन्हें जानना चाहिए, समझना चाहिए किस तरह से वो भारतीय मूल की निवासी हैं और वहाँ वो उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंची हैं अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी ईमानदारी से। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले की जांच जल्द ही सीबीआई अपने हाथ में ले लेगी। केंद्र ने यूपी सरकार की तरफ से की गई सीबीआई जांच की सिफारिश गुरुवार को मंजूर कर ली है। योगी सरकार ने बुधवार की रात को मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने की अनुशंसा की थी। इससे पहले प्रयागराज एसएसपी ने मामले की जाँच के लिए 18 सदस्यीय विशेष टीम का गठन करने की बात भी कही थी। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा था कि मामले को जल्द सुलझा लिया जाएगा। महंत नरेंद्र गिरी सोमवार को अपने मठ के कमरे में मृत पाए गए थे। पुलिस के मुताबिक गिरी ने कथित तौर पर पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और श्री मठ बागम्बरी गद्दी के महंत नरेंद्र गिरी को बुधवार को पूर्ण विधि विधान से समाधि दे दी गई थी। महंत नरेंद्र गिरी ने कथित सुसाइड नोट में लिखा था, मैं बहुत दुखी हूँ, आत्महत्या कर रहा हूं। मेरी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी, आदि प्रसाद तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी की होगी। आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं, जबकि आदि प्रसाद तिवारी बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी हैं। आत्महत्या के मामले में तीसरे आरोपी संदीप तिवारी को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले बुधवार को अदालत ने इस मामले में 2 अन्य आरोपियों आनंद गिरी और आदि प्रसाद तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। तो नरेंद्र गिरी की मौत मामले में अब सीबीआई जांच जल्द ही होने जा रही है। सीबीआई जांच की सिफारिश गुरुवार को मंजूर कर ली गई है। आप बता दें कि लगातार मांग हो रही थी कि सीबीआई की जांच इस पूरे मामले में होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जब उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे तब भी उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से जाँच की जाएगी और बहुत जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। तो नरेंद्र गिरी की मौत मामले में सीबीआई जाँच होगी। आप बता दें कि 3 मुख्य आरोपी बना दिए गए हैं। एक जो है वो महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी,
उसके अलावा आदित्य तिवारी और उसके अलावा उनके बेटे संदीप तिवारी, ये तीन मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन्हें भेजा गया है। इनसे लगातार पूछताछ हुई तीनों को आमने सामने बिठाकर, लेकिन उसके बावजूद भी जो परतें हैं वो नहीं खुल पाई हैं। जो ये गुत्थी है वो और उलझती हुई नजर आ रही है। इसको सुलझाने में समय लग सकता है, लेकिन योगी सरकार द्वारा पूरा आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्दी इस पूरे मामले में खुलासा कर दिया जाएगा। बुधवार को पूरे विधि विधान के साथ नरेंद्र गिरी को समाधि दे दी गई थी, भू समाधि दी गई थी। और इसको लेकर आपको बता दें कि वहां पर जो शिष्य थे उनकी आंखें नम थी, हर कोई उन्हें याद कर रहा था। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि भले ही महंत नरेंद्र गिरी हम सबके बीच नहीं है, लेकिन बागंबरी मठ में और देश भर के साधु संतों में उनकी कमी हमेशा के लिए खलती रहेगी। मथुरा में बीते काफी दिनों से लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं जहां एक ओर लोगों में दहशत का माहौल है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं लगातार बढ़ गई हैं। इसी बीच एक सुखद खबर सामने आई है कि जिले में डेंगू के केस कम हुए हैं। मामले में डॉक्टर भूदेव ने बात करते हुए कहा है कि अभी फिलहाल मथुरा में डेंगू नियंत्रण में है, केस धीरे धीरे कम हो रहे हैं और सिर्फ 2 केस रिकॉर्ड किए गए। इसके साथ ही उन्होंने आम जनमानस से अपील की है कि स्वच्छता का ध्यान रखें, अगर आसपास कहीं भी पानी भरा हो तो उसे निकाल दें, अपनी रक्षा करें और दूसरों की रक्षा में सहयोग करें, और अगर जरूरत हो तो स्वास्थ्य विभाग के नंबर पर कॉल कर जानकारी दें। आपको बता दें कि इन दिनों उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वायरल बुखार का कहर लगातार बढ़ रहा है। मथुरा से एक सुखद खबर ये आई है कि जिले में डेंगू के मामले धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो है लगातार अपील कर रहे हैं कि भले ही मामले कम हो रहे हों, लेकिन अभी भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। आसपास जो पानी इकट्ठा होता है उसे इकट्ठा ना होने देने की जरूरत है, अपनी रक्षा करनी है, दूसरों की रक्षा के लिए योगदान भी देना है। तो मथुरा का ही पूरा मामला जहां पर जिले में डेंगू के केसेस कम होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है उसने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन लोगों को साथ ही साथ चेताया है कि भले ही मामले कम हो रहे हों, लेकिन अब भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। जैसे कोरोना प्रोटोकॉल्स का हम पालन कर रहे हैं, वैसे वैसे डेंगू के बचाव का भी पालन हमें करना है। जो उपाय हैं उनका पालन करना है, आसपास जो पानी इकट्ठा होता है उसे इकट्ठा होने नहीं देना है, साथ ही साथ अपनी रक्षा करनी है, आसपास के लोगों को जागरूक करना है। ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मामले फिर से बढ़ सकते हैं। देखिए, जनपद मथुरा में हमारे पिछले सप्ताह में केसेज निकले थे, इस सप्ताह में हमारे केसेज में काफ़ी गिरावट आई है। आज भी हमारे केवल 2 डेंगू के केस पॉजिटिव आए हैं, वो भी दोनों पूरी तरह ठीक हैं हमारे। लगातार हम लोगों द्वारा इस पर काम किया जा रहा है, हमारी मलेरिया की टीम है और हमारा जो सफाई विभाग, जो पंचायती राज विभाग है, उसके सहयोग के साथ काम करके हम लोग इस पर स्थिति पर नियंत्रण काबू में लाए हैं। इन चीज़ों को कंट्रोल करें, मथुरा की जनता से आप क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारा जो आम जनमानस या मथुरा की जनता से यही अपील है कि लोग अपने घरों के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, कूलरों में साफ सफाई रखें, पानी ना रखें, फ्रिज की ट्रे वगैरह उनकी भी लगातार सफाई करते रहें, और अपने आसपास कहीं भी जल भराव हो तो उसकी सूचना हमारे विभाग को या स्वास्थ्य विभाग को और नगर निगम को दे सकते हैं, ताकि हम वहाँ छिड़काव या सफाई का काम करा सकें। बाराबंकी में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध देवा मेला को लगातार दूसरे साल भी स्थगित कर दिया गया। बता दें कि करीब 125 साल से आयोजित हो रहे देवा मेला को कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्थगित किया गया है। वहीं लगातार दूसरी बार मेले के स्थगित होने से श्रद्धालुओं और व्यापारियों के बीच मायूसी देखने को मिली। बता दें कि निर्णय देवा मेला और प्रदर्शनी समिति अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिया गया। एक स्थानीय व्यापारी ने बताया कि लगातार 2 सालों से मेला नहीं लग पा रहा है, जिसके चलते हमें रोजी रोटी का संकट आ गया है। हमारी छोटी सी दुकानें हैं, इसी से पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। कोरोना के चलते अब हम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेला लग जाता तो परिवार का भरण पोषण और खर्चा चल जाता, अब मेला ना लगने से काफी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है, और इस तरह की दिक्कत देश भर के कई दुकानदारों को, कई व्यापारियों को आ रही है। दरअसल कोरोना की वजह से कई बड़े जो सम्मेलन हैं, कई बड़े मेले हैं, वो नहीं लग पा रहे हैं। तो ऐसे में जो वहाँ पर दुकानदार हैं, जो हमेशा की तरह हर साल वहाँ पर दुकानें लगाते थे, वो नहीं लगा पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट जो है वो गहराता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा ही सामने आया यहाँ, जहाँ तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए देवा मेला जो है वो स्थगित कर दिया गया है, जिसपे छोटे दुकानदार काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं।
जब से कोरोना काल हुआ है तो उस बाहर से 3 साल से तो मेला लग ही नहीं रहा है, लेकिन 29 से वो मतलब इतना ज़्यादा स्टॉप हो गया है कि सब टूट चुके हैं, कारोबार से आदमी एकदम बेकार हो चुका है, बस खाली खाना खर्चा चल रहा है 3 साल में। हम लोग तो यहाँ पे परमानेंट दुकान है, हम लोगों की हालत ख़राब हो गई है, दुकान का भाड़ा तक नहीं निकल पा रहा है। और जैसे मेला होता था साल में 3 बार यहाँ पे, एक बार तो जो विशाल मेला होता है, जो महोत्सव लगता है देवा महोत्सव, वो 3 साल से तो स्थगित कर दिया गया है, और इस बार भी सुनने में आ रहा है कि स्थगित कर दिया गया मेला, इस बार मेला नहीं होगा, मतलब आला अधिकारियों के अनुशासन से गाइडलाइंस दी जा रही है। अब जितने कारोबारी यहाँ पे आते थे उनकी वजह से बहुत फ़ायदा होता था, उनको भी होता था, और दिगर और भी लोग जितने आते थे, जैसे जायरीन आए उनको भी होता था, हम लोगों को भी होता था। अब वो गाइडलाइन मेला बंद हो गया तो आदमी आएगा नहीं, जब आदमी नहीं आएगा तो रोजी रोटी पे आ जाती है भाई, चटनी खाना खर्चा कैसे चलेगा किसी का। 2 साल से कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए देवा मेला नहीं लगाया जा रहा, जिससे लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देवा मेला पूरे एक तो ये देवा मेला घोड़ों का नेशनल बाजार होता है, जिसमें मवेशी नहीं आ सक रहे हैं, बड़ी दिक्कतें हो रही, और व्यापार चारों तरफ से बंद है, क्योंकि मज़ार बंद कर दिया जाता है, मेले में रूम बंद कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से व्यापारियों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि देवा का पूरा व्यापार। थोड़ा तो दुख हो रहा है, गमजदा बात यह है कि ये मेला तो बहुत खास्ता भी होता है, बहुत बच्चे लोग भी सोचते हैं इंजॉय करेंगे, और बहुत छोटा छोटा दुकानदार है, उनका बहुत सारा सेल होता है, कुछ कुछ इंसान इतना है कि ये मेला से उनका घर चलता है, परिवार चलता है, तो मेला ना होने की वजह से दुकानदार का भी कुछ सेल नहीं हुआ है, गरीब भी बहुत यहाँ पे बहुत उम्मीद से रहते हैं कि मेला में हम लोग का भी पेट चल जाएगा, कुछ सामान हमारा भी बिक जाएगा, तो उन लोगों को भी बहुत हर्ट हुआ है, बहुत तकलीफ़ हुआ है, और हम लोग भी बहुत मतलब दुखी है कि काश हो जाता तो हम लोग भी दीदार कर पाते, थोड़ा खुशी हम लोग भी मनाते, तो इसके लिए थोड़ा गमजदा हम लोग सभी हैं। वहीं बरेली के एक स्कूल से अध्यापक की मनमानी का मामला सामने आया, जहां एक अध्यापक ने कोचिंग न पढ़ने पर एक बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी। अध्यापक की बेरहमी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बच्चे के सर से खून तक निकल आया। पूरा मामला जिले के निजी नव निकेतन स्कूल का है, जहाँ के अध्यापक पर यानी कि टीचर पर बच्चे की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा। आरोप ये है कि टीचर अक्सर बच्चे को उससे ट्यूशन ना पढ़ने पर फेल कराने की धमकी भी देता था, और फिर भी ना मानने पर टीचर ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं सर से खून आने पर बच्चा अन्य छात्रों के साथ कोतवाली पहुंचा, जहां पुलिस ने बच्चे को मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जहां पर बच्चों की पिटाई होती है टीचरों द्वारा, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। हालांकि ये पूरा मामला जो है वो एक कोचिंग सेंटर का है, बताया जा रहा है जो कोचिंग सेंटर का टीचर था वो लगातार बच्चों को धमकी देता था कि अगर वो ट्यूशन पढ़ने नहीं आएगा तो उसे फेल कर दिया जाएगा, लेकिन वो फिर भी नहीं पहुंचा, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी गई और इतनी बुरी तरह से पीटा गया है कि उसके सर से खून तक निकलने लगा है, उसके सर में गंभीर चोटें आ गई हैं, जिसके बाद वो अपने दूसरे साथियों के साथ कोतवाली पहुंचा है। इस पूरे मामले में उसने शिकायत दर्ज कराई है, फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। बरेली का ये पूरा मामला है, हालांकि सवाल यह है कि अब तक टीचर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कानपुर के कदवाई नगर अंतर्गत जूही क्षेत्र स्थित जीपीजी हायर सेकेंडरी स्कूल एक सरकारी स्कूल है, पर स्कूल की हालत इतनी जर्जर है कि स्कूल की इमारत कभी भी गिर सकती है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल के जर्जर भवन की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि इमारत जर्जर है और कभी भी गिर सकती है, पर फिर भी अभी तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से यहां हमेशा कोई बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्कूल की जो बिल्डिंग है या भवन कहें, ये पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, छतें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं, कमरे पूरी तरह से जर्जर हैं, दरवाजे जर्जर हैं, कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है, बरसात के मौसम में ये जो भवन है वो ढह भी सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि बताया तो ये जा रहा है कि छात्र बहुत कम ही आते हैं, क्योंकि पिछले 1.5 साल से वैसे ही स्कूल कोरोना की वजह से नहीं खुले हैं, लेकिन अगर यहाँ पर भारी संख्या में बच्चे पहुँचे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भीषण हादसा यहाँ हो सकता है। कुछ बच्चे तो पहुँचे भी हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे इस जर्जर भवन में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, और
मौत के साए में पड़ने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ये भवन कहीं भी इनको मौत की नींद सुला सकता है कभी भी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कानपुर का जर्जर स्कूल, जहां पर बच्चे पूरी तरह से पढ़ने के लिए मजबूर हैं। बाहर पोस्टर जरूर लगाया हुआ है कि सावधान रहिए, ये जो स्कूल है इसकी जो बिल्डिंग है, जो भवन है, पूरी तरह से जर्जर है। आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी जब इसके अंदर आएगा तो उसे डर लगेगा कि कहीं जो स्कूल की छत है वो उसके ऊपर ना गिर जाए। लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल चलाया जा रहा है, बच्चे आ रहे हैं, टीचर आते हैं, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान इस ओर नहीं जाता। जीपीजी विद्यालय जोही में स्थित है और पुराना विद्यालय प्रतिष्ठित विद्यालय था और उसमें छात्र पढ़ते भी हैं। मुझे संज्ञान आया कि उसकी बिल्डिंग कुछ कमज़ोर है और जर्जर भी है। उसकी एक रिपोर्ट डीआईएस द्वारा शासन को भेजी गई है। मैं डीआईएस से जो जिला विद्यालय निरीक्षकों से बात करके शासन पर वो किस स्तर पर लंबित है, उसमें क्या आवश्यक कार्रवाई हुई है या क्या अभी होनी बाकी है, उसमें प्रयास करता हूँ और बच्चों की जान माल को नुकसान ना हो इसके लिए उसका बनना भी आवश्यक है। मैं इस पर जो भी हमारे इस स्तर से कार्रवाई होगी उसको मैं करूँगा और स्थानीय स्तर से भी उस बिल्डिंग की स्थिति क्या है, वो बच्चों के पढ़ने योग्य है कि नहीं है, यदि नहीं है तो इस पर भी शासन को और सबको संज्ञान लेना चाहिए, उन बच्चों को अलग स्थानांतरित करना चाहिए। मैं इसको भी एक बार दिखवा लेता हूँ और चेक करवा लेता हूँ कि मानक के आधार पर वो बिल्डिंग बच्चों के पढ़ने योग्य है कि नहीं है। अब सर यही है कि कभी प्रबंधक जी के द्वारा देखा नहीं गया स्कूल में, बिल्डिंग ख़राब है, न लाइट है। जब मैं आया था तब भी यही स्थिति थी और ये दीवार भी उसी वर्ष ही पीछे की गिरी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी जर्जर अवस्था में बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जी हादसा हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी है। सर जिम्मेदारी तो इसकी वजह प्रबंधक तंत्र की जिम्मेदारी है। अब हम लोग कहाँ से इसको करें, अगर प्रबंधक के द्वारा अनुमति मिले तो कुछ हम लोग करें। शिकायत सर हर जगह की, प्रबंधक जी से भी, जिला लेवल के अधिकारी से लेकर राष्ट्रपति तक इसकी शिकायत माननीय प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा की गई। और डर इतना ज़्यादा लगता है बच्चों को लेकर, तो रिस्क है, खुद की जान का भी रिस्क है। कई बच्चे ऐसे हैं जो हाई स्कूल में हैं और जिनको इस समय क्लास में होना चाहिए, पर वो इस डर से नहीं आ रहे हैं, उनके माता पिता नहीं आने दे रहे हैं, कुछ बच्चे खुद भी नहीं आ रहे हैं कि किसी भी समय भवन गिर सकता है और ऐसी विशेष समय महत्वपूर्ण है उनके लिए, पर फिर भी वो आ नहीं पा रहे हैं। कोचिंगों के सहारे हैं, यहाँ टीचर्स आते हैं फिर भी नहीं पढ़ पाते हैं। अरे ये तो एक बार गिर चुका है हमारे घर में, पूरा का पहला बार था, ये टूट चुका है एक बार। उन्होंने अपना मलबा उठा लिया, हमारे घर टूट गया, तो फिर उसके बाद कर्जा लेके हमने घर बनवाया है। इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं। कहो तो कहते हैं हाँ गिरवा देंगे, टूटवा देंगे, कुछ करते नहीं है। शिकायत वगैरह कहीं? शिकायत हमने इन्हीं लोगों से की है। फैमिली इश्यूज हैं कि मम्मी पापा पैसे नहीं दे पा रहे, इसलिए हम सरकारी स्कूल में पढ़, प्राइवेट स्कूल में फीस नहीं दे पाते। सर से भी बोला है लेकिन क्या कर सकते हैं। डर नहीं लगता ऐसे क्लास में टूटे स्कूल में पढ़ने में परेशान? डर लगता है लेकिन क्या कर सकते हैं। बरेली में भीमसेना की महिला प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी है। इसके साथ ही महिला प्रदेश अध्यक्ष ने बरेली पुलिस के आला अधिकारियों के लिए भी उपशब्द बोले। बता दें कि भीमसेना के बरेली जिला अध्यक्ष बंटी पर पुलिस की कार्रवाई से भड़की महिला प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम से लेकर बरेली के अधिकारियों के लिए तक अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। वहीं युवती की अभद्र भाषा बोलते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। आप देख सकते हैं वो महिला है जो लगातार योगी आदित्यनाथ को अपशब्द कह रही हैं, वहीं जो बरेली के अधिकारी हैं उनको भी अपशब्द कहती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ये जो शब्द हैं इनके, वो हम आपको नहीं सुना सकते क्योंकि इनके शब्द ऐसे नहीं हैं कि उन्हें सुना जा सके। तो वीडियो में अभद्रता करती दिखाई दी महिला प्रदेश अध्यक्ष भीमसेना की महिला प्रदेश अध्यक्ष बताई जा रही हैं, जिसका वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल यहाँ पर इनके सेना में किसी कार्यकर्ता पर कोई कार्रवाई हुई जिससे ये नाराज़ हो गई और इन्होंने एक वीडियो बनाया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यहाँ ये योगी आदित्यनाथ को धमकाते हुए, धमकी देते हुए और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं बरेली के उनको अभद्र बोलते हुए नजर आ रही हैं। देहरादून में अटल आयुष्मान योजना के 3 साल पूरे होने पर आयोजित आयुष्मान भारत आयोग के मंथन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि करोड़ परिवारों को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आयुष्मान योजना से स्वास्थ्य रक्षा कवच मिला है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत
आम जनता को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं, जिसका लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 4 सालों में राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक कार्य हुए। उन्होंने कहा कि अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत लगभग अब तक 3.5 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है, जो कि वास्तव में कीर्तिमान है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और देश नई नई बुलंदियों को भी छू रहा है। आज करवाने में सक्षम नहीं है, जिसके पास इतने साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, उन सभी को लाभ पहुंचाने का काम इस योजना से हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर 3.5 लाख लोगों को अभी तक इस योजना का लाभ मिल चुका है। 460 करोड़ रुपया अभी तक सरकार ने इसमें वहन किया है और अभी हमने कहा है कि इस योजना में जो चीज़ें छूट गई हैं उनमें उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। निश्चित रूप से ये योजना भूतो न भविष्यति ऐसी योजना है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में और दुनिया की स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने वाली सबसे बड़ी स्कीम है। आज इसके 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मैं सभी को बधाई देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। लालकुआ नगर पंचायत क्षेत्र के अंबेडकर वार्ड नंबर एवं सहित विभिन्न वार्डों में बनी मजबूत सीढ़ी रोड तोड़कर टाइल्स रोड बनाए जाने के विरोध में नगर के दर्जनों लोगों ने तहसीलदार के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। साथ ही लोगों ने उचित कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मामले में पूर्व सैनिक सुरेंद्र लोटली ने कहा है कि लालकुआ नगर पंचायत के वार्डों में पहले से बनी मजबूत RCC रोड को तोड़कर नगर पंचायत और कुछ ठेकेदार मिलीभगत से टाइल्स रोड बनवाना चाहते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। उनका कहना है कि अपने फायदे के लिए ये लोग सरकारी पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि लालकुआ नगर पंचायत में ये लगातार हम देखते हुए आ रहे हैं कि जो अच्छी सड़कें हैं उनका तोड़कर उन्हीं सड़कों को दोबारा वैसी ही बना दिया जा रहा है, जिस पर हमें आपत्ति थी। तो हमने एक ज्ञापन दिया है तहसीलदार साहब को कि यहाँ पर जो नगर पंचायत में जो पैसा आ रहा है, इस तरह फिजूल खर्ची की जा रही है, उसको गरीबों के विकास में पैसा लगाया जाए, न कि ये अच्छी अच्छी रोडों को तोड़कर फिर उसी रोड को वैसी बना दे रहे हैं। तो इस पर हमने ज्ञापन दे रखा है। तो मेरा सभी जो हम लोग यहाँ लालकोवासी हैं, हम मेरा तहसीलदार साहब से एक ज्ञापन के माध्यम से हमने बताया कि साहब कि जो रोडें अच्छी हैं उन रोडों को तोड़कर उस वैसी रोड ना बनाई जाए, गरीबों के उत्थान में पैसा लगाया जाए। अभी भ्रष्टाचार और सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, वो सब बेफालतू। और मेरा यह जिलाधिकारी जी को हमने ज्ञापन दिया है, तहसीलदार साहब को, जिलाधिकारी के माध्यम उसकी जांच हो और उसकी उचित कार्रवाई हो। और ठेकेदार नगर पंचायत के अंदर जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे हैं, सब ठेकेदारी प्रथा चालू कर दी किसी ने भी। भ्रष्टाचार की जाँच हो, जितने भी रोड हैं सही रोडों को उखाड़ के उनको सही रोडों को उखाड़ के अच्छी रोडों को उखाड़ के गलत निर्माण किया जा रहा है इसको। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि देश में दिव्यांगों और चलने फिरने में असमर्थ लोगों को उनके घर पर ही कोरोना वायरस वैक्सीन का टीका लग जाएगा। सरकार के इस ऐलान के बाद अब टीकाकरण कार्यक्रम में और तेजी लाने की उम्मीद है। हालांकि पहले से ही स्वास्थ्यकर्मी देश के दूर दराज के इलाकों में लोगों को घर घर टीका लगा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि भले ही दैनिक नए मामलों में कमी आ रही हो, लेकिन देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी भी जारी है। पिछले सप्ताह संक्रमण के आए कुल मामलों में 62.73% अकेले केरल में आए हैं। केरल एकमात्र राज्य ऐसा है जहां उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। अधिकारियों का कहना है कि देश में 33 जिलों में फिलहाल संक्रमण दर 10% से अधिक है, जबकि 23 जिलों में संक्रमण दर 5-10% के बीच में है। उनका कहना है कि आगामी त्योहारों के लिए कोरोना निर्देशों के तहत निरुद्ध क्षेत्रों और 5% से अधिक संक्रमण दर वाले क्षेत्रों में भीड़भाड़ से बचना होगा। टीकाकरण अभियान के बारे में उन्होंने कहा कि देश के करीब 66% आबादी को टीके की कम से कम एक खुराक दे दी गई है और 23% आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण हो गया है। उनका कहना है कि कोरोना टीकों में 63.7% ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए हैं और 35.4% शहरी क्षेत्रों में लगाए गए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वाकई काफी तेजी के साथ टीकाकरण जो है वो भारत में किया जा रहा है, लेकिन आगामी त्योहारों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है।
दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर आज भी जारी है। गुरुवार शाम को शुरू हुई बारिश रुक रुक कर जारी रही। दक्षिणी दिल्ली, दक्षिणी पूर्वी दिल्ली, यमुनानगर, ग्रेटर नोएडा, नोएडा के साथ हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार को भी दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिन तक कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली के अलावा राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, आंध्र प्रदेश में तटीय इलाकों में अलग अलग जगहों पर अगले 5 दिनों तक झमाझम बारिश हो सकती है। यानी कि इस वीकेंड भी आपको बारिश से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश लगातार जारी है। आपको बता दें कि गुरुवार को यह बारिश शुरू हुई थी, रुक रुक कर पूरे दिन बारिश होती रही, देर रात भी बारिश हुई है। और मौसम विभाग की माने तो आज भी दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो सकती है। आने वाले 2 से 3 दिनों तक ये बारिश यूं ही जारी रहेगी। और सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, उत्तर भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर झमाझम बारिश हो सकती है, चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश के कई इलाके हों या फिर उत्तराखंड हो, यहाँ पर बारिश हो सकती है। तो आने वाले दिनों में आपको बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।